Very good morning to the students. I am your computer teacher from Sibaji Group of Institution students. In previous class I told you some point about seven chapters. So students today I will tell you further about this chapter and today's our first heading is creating a new database. To create a new database, follow these steps. Students, if you want to create a new database, then you have to follow these steps. Number first, click on the file tab. सबसे पहले हमें फ़ाइल टैब पर क्लिक करना है नंबर सेकेंड क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन उसके बाद हमें न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है थर्ड क्लिक ऑन ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस फ्रॉम द अवेलेबल टैंपलेट्स जो हमारी टेम्पलेट्स हैं उसमें से हमें ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पर क्लिक करना है फोर्थ इन द ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस बेस पॉपअप विंडो जो हमारी ब्लैंक डैक्टॉप पॉपअप विंडो है उसमें से हमें टाइप आर नेम इन द फाइल नेम बॉक्स जो हमारा फाइल नेम बॉक्स होता है उसमें हमें जो भी फाइल का नेम देना उसको टाइप करना है फ़ाइव क्लिक ऑन क्रिएट फिर हमें क्रिएट बटन पर क्लिक करना है आ न्यू डेटा बेस विद अ टेबल नेम टेबल वन इज़ क्रिएटेड फिर हमारा जो न्यू डेटा बेस होता है वो क्रिएट हो जाएगा नेम विद टेबल वन बाई डिफ़ॉल्ट एक्सेस क्रिएट्स एन आई डी फील्ड इन द टेबल सिक्स टू एड मोर फील्ड्स इन द टेबल अगर हमें टेबल में मोर फील्ड्स को ऐड करना है सेलेक्ट अ डेटा टाइप फॉर द फील्ड तो फील्ड से हमें डेटा टाइप को सेलेक्ट करना है क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द फील्ड नेम तो जो हमारा फील्ड नेम होगा उसमें हमें एरो नेक्स्ट पर क्लिक करना है नॉ सेलेक्ट अ डेटा टाइप फ्रॉम द लिस्ट फिर हमें लिस्ट से डेटा टाइप को सेलेक्ट करना है नंबर सेवन टाइप अ न्यू नेम इन द फील्ड एंड प्रेस द इंटर की फिर हमें जो भी फील्ड का नेम देना है उसको टाइप करना है और इंटर की पर क्लिक करना है टू रिनेम अ फील्ड राइट क्लिक ऑन इट्स नेम एंड सेलेक्ट द रीनेम फ़ील्ड ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू टू रीनेम अगर हम फील्ड के नेम को रीनेम करना चाहते हैं तो राइट क्लिक ऑन इट्स नेम उसके नेम पर हमें राइट right क्लिक करना एंड सेलेक्ट द रीनेम फील्ड और नेम फील्ड को सेलेक्ट करना फ्रॉम द मेन्यू जो मेन्यू ओपन होगा टाइप अ न्यू नेम फिर हमें नया नेम टाइप करना है फॉर द फील्ड फील्ड के लिए एंड प्लेस द इंटर की और इंटर की पर प्रेस करना है नाइन टू सेव द टेबल क्लिक ऑन द शेफ्ट अगर हमें टेबल को सेलेक्ट सेव करना है तो हमें सेव बटन पर क्लिक करना ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार पर द सेव एस बॉक्स एपियर इंटर अ नेम फॉर द टेबल फिर हमारा सेव एस बॉक्स एपियर हो जाएगा फिर उसमें जो भी हमें नेम देना उस नेम को हम इंटर करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके और ओके बटन पर हम क्लिक करेंगे सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टूडेज़ यू होमवर्क इज़ रियर लेसन सेवन थैंक यू स्टूडेंट्स